दोस्तों, जब आप मारुति की लोअर एंड वाली कार लेने जाते हैं, जैसे कि वैगनार हो गई और ऑल्टो K10 हो गई, तो उसमें एक ही कार का सेम मॉडल का अलग अलग प्राइस होता है, जिसमें से 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस होता है। और वहाँ पर लिखा होता है कि ये मेटेलिक कलर है, ये नॉन मेटेलिक कलर है। मेटेलिक कलर थोड़ा सा महंगा होता है, 3 से 4 हज़ार रुपये। अगर आप वैगनार की कोटेशन को देखें तो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है लगभग 3700 रुपये का, और सेम वही K10 में भी 3700 रुपये का डिफरेंस है इस कलर पे, इस पेंट ऑप्शन पे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्यों मेटेलिक पेंट महंगा है और क्या फ़ायदे होते हैं इसके, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको मेटेलिक क्यों कहा जाता है, इस पेंट को। इस पेंट में पिगमेंट के साथ मेटल मिक्स होता है। मेटल में होते हैं एल्युमिनियम का पाउडर, काफ़ी छोटे छोटे पीस होते हैं एल्युमिनियम के इस पेंट के साथ। और वहीं हम अगर सॉलिड पेंट या नॉन मेटेलिक पेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ पिगमेंट होता है। तो ये एल्युमिनियम का ऐड करना, एल्युमिनियम के पार्टिकल का ऐड करना इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो ये एल्युमिनियम के पार्ट इसको मेटेलिक बनाना इस पेंट को ज़रूरी है क्या? तो चलिए साथ ही साथ जान लेते हैं ये मेटेलिक कलर का फ़ायदा क्या है। होते तो ये वैसे महंगे हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपकी गाड़ी इससे प्रीमियम सी लगने लगती है। अगर आपकी छोटी गाड़ी भी है तो उसमें एक बहुत अच्छा लुक आएगा आपको देखने में, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। और दूसरा फायदा ये है कि ये कलर कभी भी फेड नहीं होता। आप इसको कितने भी धूप में रख दें, गाड़ी कितने भी अल्ट्रा वायलेट रे के नीचे रख दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हम बात करें सॉलिड कलर की, अल्ट्रा वायलेट और सनलाइट पड़ने से वो कलर फेड होने लग जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी गाड़ी कहीं पर डैमेज हो जाती है, छोटा मोटा डेंट हो जाता है आपकी गाड़ी में, आप उसको रिपेयर कराते हैं, तो ये कलर थोड़ा सा मैच कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जो रिपेयर होते हैं आपके कॉस्टली होते हैं। और वहीं अगर सॉलिड पेंट की बात करूँ, उनको मैच कराना तो थोड़ा सा आसान है, और साथ ही साथ वो काफ़ी सस्ते में आपका रिपेयर हो जाता है। मेटेलिक कलर में जो कलर ऑप्शन आते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, और अगर हम बात करें सॉलिड कलर की, उसमें हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेटेलिक पेंट की छोटी सी दास्तान, उसके फ़ायदे और ये क्यों महंगा होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि क्यों ये प्राइस डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।